बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये नाम आपने सुने होंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। देखिए, सन रेज जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक फिनोमिनन है, प्रोसेस है जिसमें ज़मीन गर्म होती है, सन से एनर्जी आती, मेन सोर्स सन ही है, और कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी प्लैनेट जो अर्थ है, और कुछ वापस परावर्तित हो जाते हैं। देखिए, इधर बना रखा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एक तो नेचुरली हो रहा है जो इस साइड है जो ब्लू कलर से है, और दूसरा हमारे क्रियाकलापों से जो डिस्टर्बेंस आ गया है और बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, वो इस तरफ ही है। देखिए, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है ये आप समझें। नेचुरली होना ज़रूरी है जो इस साइड में हो रहा है, कि कुछ किरणें सन की पृथ्वी तक आई, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ वापस परावर्तित हो गई। देखिए, आपको यहाँ पर पिंक कलर से ग्रीन हाउस गैसेस दिख रही है। इधर जो नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसमें वो क्या करती हैं, परावर्तित जो वापस लौट रही है स्पेस में सनलाइट, उसको कुछ वापस ज़मीन की तरफ रेडिएशंस आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जबकि इधर जो देखिए आप, ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है मेनली, देखो इधर कितनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो मानव के क्रियाकलापों से बहुत बढ़ गई हैं, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो नेचुरली अकरिंग है उसमें 4% तक बढ़ोतरी हुई है, तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। कि देखिए आप, जो आई हैं यहाँ पर रेज, वो वापस परावर्तित हुई और बहुत सारी चौड़ी जगह पर देखो ग्रीन हाउस गैसेस फैली हुई हैं आजकल, तो जो वापस जा रही हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, इनको वापस ज़मीन की तरफ रीएमिट कर देती हैं। तो यहाँ जो तीर है इस तरफ, नेचुरली अकरिंग जो प्रोसेस है हमारा ग्रीन हाउस का, उसमें कुछ परसेंट ही वापस रेडिएशंस आ रहे हैं ज़मीन पर, जबकि इधर जो है ह्यूमन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होने से वापस बहुत सारी सन रेडिएशंस ज़मीन पर लौट रहे हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं जो आजकल बहुत बढ़ गई है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, कितने परसेंट है देखो आप, सब बता रखी है। ये मीथेन है 4.9 सबसे ज़्यादा, यहाँ वाटर वेपर है, और 3 से 7 ओजोन है। ये सब क्या है, कंट्रीब्यूशन करती हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में, तो इनका बढ़ना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स तो है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसका मेन सोर्स है। फिर दूसरा है फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो ईंधन वगैरह बर्न होते हैं, उन सब से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो आजकल आपने देखा व्हीकल्स भी बहुत बढ़ गए हैं, फिर बहुत सारे कल कारखाने और ये करके CO2 बहुत आ गई है, तो ये मेन पॉजिटिव एजेंट, ये मेन ग्रीन हाउस गैस है जिस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये सारा आप ध्यान से पढ़िए, ये एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम 30 to 95 ईयर्स कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 65% ऑफ एमिशंस, इसका कितना रोल है, 65% ऑफ सनलाइट एमिशंस में करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये यूज़ सिर्फ होती है फोटोसिंथेसिस में, तो हम प्लांटेशन इंक्रीज करके इसको घटाया जा सकता है, क्योंकि इसका यूज़ किस में है, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा होता है प्लांट्स में उससे। फिर फॉसिल फ्यूल को का अल्टरनेट भी हमें ढूंढना होगा, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी एटमॉस्फेयर में, और ग्रीन हाउस गैस है ये, वो घटेगी। इस बारे में काफ़ी काम करना पड़ेगा कि CO2 को किस तरह से एटमॉस्फेयर में घटाया जाए, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो रहा है लगातार इसका परसेंटेज। इधर एक ग्राफ भी बनाया है कि किस तरह ये इंक्रीज़ होता गया, ईयर वाइज बना रखा है ये ग्राफ। फिर है मीथेन,
जी CH4 जो है इसका प्रोडक्शन होता है कोल और नेचुरल गैस और उनके ऑयल वगैरह से और डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट से, और जो ये आपके लाइव स्टॉक यानी कि गाय भैंस वगैरह जो हैं उनकी वजह से, ये उनके डंक में जो गोबर वगैरह होता है ना काऊ डंग वगैरह उसमें ये मीथेन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए ज़िम्मेदार है। इसको घटाने के लिए भी हमें काम करना होगा, तब जाके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जा सकेगा। मीथेन गैस को जो इसके कोज हैं उसी को ठीक कर दो तो घट जाएगी, जैसे कि लाइव स्टॉक का जो फूड है उसमें चेंजेस करने से, जिससे मीथेन कम सिक्रीट हो और कोल नेचुरल गैस ऑयल उनका भी अल्टरनेट कुछ ढूंढने से ये घटेगी। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरी गैस है ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये निकलती है एटमॉस्फेयर में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं ना, उर्वरक खेतों में जो यूज़ होते हैं, और कंबशन फॉसिल फ्यूल के जलने से ये पैदा होती है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 6%। सबसे ज़्यादा आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का था 65% इमिशंस, मतलब कि सन रेडिएशंस को पृथ्वी पर ही रोक लेना, इसे कहते हैं इमिशंस। तो इसको भी अल्टरनेटिंग मैन्योर मैनेजमेंट, मैन्योर मींस खाद वगैरह की अल्टरनेट करके उसको किया जा सकता है। अब ये CFC ओजोन लेयर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोरोकार्बन्स, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो रेफ्रिजरेटर से एमिट होती है, निकलती है, और डिओडोरेंट्स वगैरह, एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स, फायर रिटर्डेंट्स, इन सब से ये एमिट होती है, निकलती है, ये इसके स्रोत हैं और सनलाइट से डिस्ट्रॉय होती है। ओजोन लेयर के लिए तो मेन कारण यही है। देखो आप क्या क्या थी हमारी गैस, वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी, आई रिवाइज अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये ग्राफ भी दे रखा है ईयर वाइज, देखिए कब कौन कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस में। क्या है ये, आप इनको नाम याद करना और इसके बारे में सारा लिखना, आपकी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैं क्लासरूम ऐप में भी ये डाल दूँगी, अगर नहीं भी डालती तो आज की डेट में ये आपको करना होगा। ये आपने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था, एक नेचुरली अक्रिंग प्रोसेस है जो नेचुरली चल रहा है, परंतु अब उसमें मानव के क्रियाकलापों से बहुत सारे कल कारखाने, बहुत सारा ईंधन, फॉसिल फ्यूल और पेड़ वगैरह, वनों का विनाश, और इन सब कारणों से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ गई है, आपने देखा था उस फोटो में। तो वो जितनी परावर्तित होनी चाहिए रेडिएशन सन की, ज़मीन से आकर लौटनी चाहिए, उतनी नहीं लौट रही, इस कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। बाकी का अगले उसमें देंगे आप।